तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 खोरठा ऑनर्स, जितने भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो खोरठा ऑनर्स में सेमेस्टर 5 का पहला पेपर करने वाले हैं, ठीक है, जो 2022 में पूछा गया था। आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, खोरठा ऑनर्स लिए हैं, सेमेस्टर 5 में है, पहला पेपर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, कर लीजिए अच्छे से तैयारी, ताकि एग्जाम में आपके बहुत अच्छा जाए, ठीक है। ग्रुप ए बी सी करके बांटा गया है पेपर को। ग्रुप ए आपका 40 मार्क्स का है। यहाँ पे 20 अंकों वाले बोला गया है कि नीचे दिए गए किन्हीं चार प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें, ठीक है। 20 अंकों वाले दो प्रश्नों के आंसर करने हैं, और इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 500 से 600 शब्दों के बीच में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की परिभाषा दें एवं भाषा विज्ञान के महत्व को लिखें। जैसे कि यहाँ पे हिंदी पे लिखा गया है, तो आपको मतलब खोरठा में हिंदी में लिखा है, देखिए खोरठा का पेपर और हिंदी में लिखा है, तो आपको भी हिंदी में लिखना है। अगर खोरठा में लिखा होता तो इसका आंसर आप लोग खोरठा में करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, टू नंबर, तो बोला गया है भाषा एवं बोली को परिभाषित कर दोनों में पाए जाने वाली अंतर को लिखें। एकदम खोरठा और हिंदी सेम लग रहा है, क्योंकि इस पेपर में इसी तरह से दिया ही है यार। तीन नंबर है, भाषा उत्पत्ति के धातु सिद्धांत को लिखें। चौथा क्वेश्चन है, भाषा परिवर्तन के कारणों को लिखें। चार में से किसी दो को लिखना है, एकदम हिंदी की तरह ही लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही हिंदी की तरह ही है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आपको 10 अंकों वाले दो प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे तीन प्रश्न हैं, तीन में से किसी दो को बनाना है। पहला है, मानवेतर भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। दूसरा है, प्राकृत भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखें। सातवां है, मानवीय भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें, ठीक है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है यहाँ पे 2 अंकों वाले 10 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। ये 2 अंकों वाले कितने प्रश्न, 10 प्रश्न, टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं। पहला है, भाषा का मुख्य अभिलक्षण माना जा सकता है, कितने माने जा सकते हैं आपको बताने हैं। देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं अपने दोस्तों से पेपर मांग के आप लोग के लिए डाल देता हूँ। ख नंबर है, वाक्य रचना में परिवर्तन के मुख्यतः कितने कारण होते हैं, आपको बताने हैं 2, 3, 4 या 5। ग नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है स्वरूप की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 3। घ नंबर है, इसमें है वाक्य के कितने अंग होते हैं, 6 अंग, 3 अंग, 4 अंग या 2 अंग। अंग नंबर है, भाषा विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितनी होती हैं वो बताने हैं, 6, 8, 9 या 11। च नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भाषा विज्ञान की गौण शाखाएं कितनी होती हैं, 6, 9, 8 या 11। आगे देखते हैं 6 नंबर, तो इसमें पूछा गया है भाषा कितने आधार होते हैं, भाषा के कितने आधार होते हैं, 3 आधार, 6 आधार, 2 आधार या 4 आधार। अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में कौन भाषा के रूप में नहीं है, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या क्षेत्र भाषा, ठीक है। और अंतिम 2 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में मानवेतर भाषा नहीं है, कौन सी मानवेतर भाषा नहीं है, जनजातियों की भाषा, मधुमक्खियों की भाषा, देखिए पक्षियों की भाषा या डॉल्फिन की भाषा। अंतिम क्वेश्चन है, एकदम अंतिम और नहीं एक भी क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में भाषा की प्रकृति कैसी होती है, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान या वाक्य विज्ञान, ठीक है। तो ये था आपका खोरठा सेमेस्टर 5 का पहला पेपर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जितने भी पेपर हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से मतलब ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर का नाम, उसके बाद ज्ञान सागर अंत में सर्च मार दीजिएगा यूट्यूब में तो आ जाएगा, ठीक है, और देख लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए खोरठा का उतना देखने वाला भी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि हिंट करना चाहिए, आप लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में मैंने भी खोरठा पढ़ा था 12th तक, उसके बाद नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आप लोग के लिए हेल्प करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं उसके भी आप देख सकते हैं, और अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा हो आपके साथ बीए, बीकॉम, बीएससी, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज्ञान को फैलाइए।